Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 1 real numbers exercise 1.1 question number 1 third part. Use Euclid's division algorithm to find the HCF of 867 and 255. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, हमें पता होनी चाहिए क्या होती है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हमारी कहती है यूक्लिड्स की कि a इज इक्वल टू b इनटू q प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, एंड a इज इक्वल टू होता है डिविडेंड, b होता है डिवाइजर, q होता है कोशेंट एंड r होता है रिमाइंडर। जब हमें ये थ्योरम पता चल जाती है तो हम इजीली एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। सो हमें गिवन है 867 एंड 255, दो नंबर गिवन है। इनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है। सो 867 इज ग्रेटर देन 255, दैट्स व्हाई हम 867 को 255 से डिवाइड करेंगे। सो डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 255 से 867 को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा एंड 3 इंटू 255 दैट इज इक्वल टू 765, और माइनस करेंगे जब हम इसको तो ये आ जाएगा हमारा 102। हमारा रिमाइंडर आ गया 102, क्वेश्चन आ गया 3। इसके बाद हमारा स्टेप होता है कि हम इसको a इज इक्वल टू b इंटू q प्लस r की फॉर्म में लिखते हैं। So 867 is equal to 255 into 3 plus 102। अब इसके आगे हमें फर्दर प्रोसीड करना होगा, मतलब दोबारा से हमें इसे डिवाइड करना होगा। अब हम 255 को 102 से डिवाइड करेंगे। जो पिछला डिवाइजर होता है उसको रिमाइंडर से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 102 से 255 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 204। माइनस करने पे हमारा आ जाएगा 51। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो इसको हम फिर से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। इस तरीके से हमारे पास ये एक और रिजल्ट आ गया। अब क्योंकि हमारा रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया तो हम 102 को, जो पिछला डिवाइजर था और अब जो हमारा रिमाइंडर आया, उससे फिर से डिवाइड करेंगे। तो 102 को 51 से डिवाइड करेंगे। 51 से जब 102 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिससे हमने डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया, 51 से, वही हमारा HCF हो जाता है। तो HCF कितना आ गया हमारा 867 और 255 का, 51, राइट। अगर आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें, सो दैट न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऑल द बेस्ट।